हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस डिज़ाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पर पिंटेक्स जो बनाए हुए हैं मैंने, इसको थोड़ा सा देखना है आपको। बाकी की बिल्कुल सिंपल सा ही डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह लगाए हुए हैं, कुछ बटन्स यूज़ किए हैं मैंने, इसमें डोरियाँ लगाई हैं मैंने, बस साइड 2 डोरी लगाई है, इसमें मैंने 1 डोरी लगाई है। इसे बनाने के लिए ये फैब्रिक मैंने लिया है रेयॉन का। ये फैब्रिक हमारा 2 मीटर से 6 इंचेस एक्स्ट्रा है। सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ मैं ले रही हूँ 37 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हैं। इसमें 1 इंचेस हम ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल भी ले लेंगे 7 इंचेस। 1 इंचेस की गोलाई कर लेंगे, यहाँ से रखेंगे। 15 इंचेस पर हम एक मार्क करेंगे, 21 इंचेस पर एक मार्क और कर लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का मार्क, मैं ले रही हूँ 8.7 इंचेस। यहाँ पर लगाएंगे कमर का मार्क, मैं ले रही हूँ 8.2 इंचेस। यहाँ पर लगाएंगे हिप का मार्क, मैं ले रही हूँ 9.5 इंचेस। इस तरह से करेंगे। 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए ले लेंगे, 1.5 इंचेस लेना है। यहाँ से करेंगे इसको, पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इसको भी सीधा कर लेंगे। यहां से 1 इंचेस का मार्क करेंगे। यहां से मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आप उसको खुला छोड़ना चाहें फ्रंट पार्ट को। 1 इंचेस के मार्क तक हम इसको मिला लेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब हम फिर से कपड़े को 2 फोल्ड में करेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। यहां से मार्क कर लेंगे सीधा। अब इसमें हम मार्क कर लेंगे। अब यहां से हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, दबाने के लिए। इसको भी हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। इसका आर्म होल हम बाद में कट करेंगे, अभी नहीं करेंगे कट। इससे हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स मैं नॉर्मली इसकी बना रही हूँ, आप चाहे कोई भी डिजाइनर स्लीव्स इसमें बना सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 18 इंचेस। यहाँ से लगाएंगे 8.5 इंचेस। डीप लेंगे 3 इंचेस। 3 इंचेस के निशान तक मिलाएंगे इसको। मोहरी का मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। 1.5 इंचेस मार्जिन के लिए लेंगे। ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम डीप कर लेंगे। पिंटेक्स बनाने के लिए मैं ये फैब्रिक ले रही हूँ। कॉम्बिनेशन के लिए रेड में बहुत अच्छा लगेगा।
आप चाहे कोई फैब्रिक अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, मन मुताबिक जैसा आप इसमें ऐड करना चाहें। तो इसकी मैं लेंथ लूँगी 20 इंचेस, बर्थ में ले रही हूँ 15 इंचेस, अब इसके इसको मैं फ्यूज़ पेपर के साथ चिपका लूँगी। मैंने इसको पेपर फ्यूज़ से चिपका लिया है, यानी कि पेपर बुकरम से मैंने इसको चिपका लिया है। अब इसमें मैं इस तरह से लाइंस बना लूँगी। अब इस साइड से हम लाइन बना लेंगे। ये बॉक्स हमारे 1-1 इंचेस के बनने चाहिए। अब इसको हम इस तरह से नील से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो स्केल से इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसको लाइन बना लीजिए। ऊपर की साइड हमें इन लाइनों को निकाल लेना है। पहले हम पूरे पेपर में इस साइड से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहां से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर साइड हमें पिंटैक्स को निकाल लेना है एंड इसमें हमें सिलाई लगा लेना है। ये मैंने सिलाई से इसको बना लिया है। अच्छे से देख सकते हो 1-1 इंचेस के हमारे बॉक्स आ जाएंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट लेना है, इस तरह से रख लिया है। इसको हम लंबाई से रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। अब इसको यहाँ से 2 इंचेस मार्क करेंगे एंड इसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम रॉन्ग साइड से रखेंगे ताकि हमारा आर्मोले अच्छे से कट हो जाए। यहाँ से रखेंगे 2 इंचेस लीव करते हुए रखेंगे। आर्मोल को हम कट कर लेंगे पिंटेक्स पेपर से। अब हमने ये फैब्रिक लिया है रेड। ये हमारा फैब्रिक कम था तो इसमें मैंने जोड़ लगा लिया है बीच में। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे एंड इसको हम कट कर लेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है। इसको हमें इस तरह से ऊपर की साइड उल्टा करके रख लेना है। ये मैंने कुछ डोरियां बनाई हैं। ये डोरियां हमने ओरे पट्टी से बनाई हैं। ये मैंने पेपर लिया है, इसकी विड्थ मैंने ली है 3 इंचेस। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये पट्टी कट की है। इन डोरियों को हम इस तरह से लगाएंगे एंड इनको हम इस तरह से घुमाकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ से हम कट करेंगे, उसके बाद दूसरा पैटर्न बनाएंगे। पूरी पट्टी में हमें, पेपर पट्टी में हमें डिज़ाइन बना लेनी है। ये मैंने पेपर पट्टी में डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसको अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से एंड इस फैब्रिक को हम उल्टा इसके ऊपर रखेंगे। एंड इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है
एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। यहाँ पर ये डोरी लगानी है। आप चाहें तो इसको यहाँ से लगा सकते हैं, बट मैं इसको अंदर से ही लगाऊंगी। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सिलाई रिमूव करके इसको अंदर से लगा लूँगी। मैंने इसको अंदर से लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, चारों साइड पूरा इसको बंद कर लेना है। मैंने पूरे में इसमें सिलाई लगा ली है। कुर्ती का मैं फ्रंट पार्ट ले लेना है। प्रिंटेक्स फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके यहाँ से सिलाई लगा लेना है, यहाँ तक। यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे एंड आर्म होल भी कट कर लेंगे। इसकी बर्थ मैं ले रही हूँ 3 इंचेस, डीप ले रही हूँ मैं 4 इंचेस। इसी तरह से बैक के नेक में मैं इसका डीप लूँगी 3 इंचेस। इसे हम हर बार की तरह और एक पट्टी से कंप्लीट करेंगे। आप चाहे कोई भी इसमें नेक कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसमें डीप कर लेंगे। मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ, पर 1/2 इंचेस का ही मैंने डीप किया है इसमें। ये मैंने और एक पट्टी ली है, इसकी बर्थ ली है मैंने 2 इंचेस हमेशा की तरह। इसको यहाँ से रखेंगे एंड सिलाई लगा के उसके बाद हम फ्रंट साइड इसको फोल्ड करके नीचे साइड सिलाई लगाएंगे। इसको मैंने बना लिया है। अब नीचे साइड हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसे पहले हम मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद हमें पेपर पट्टी ले लेनी है। उसके बाद हमें जिस तरह से हमने इन डोरियों को बनाया है उसी तरह से हम पट्टी को फिर से डोरी के साथ कंप्लीट करेंगे। पेपर पट्टी को उसी के अकॉर्डिंग हमें एक पट्टी ले लेनी है। इस तरह से मैंने पट्टी को कंप्लीट कर लिया है डोरियों के साथ। इसके ऊपर हम इस तरह से इसको लगाएंगे। फ्रंट साइड लगाना है। ये मैंने पट्टी ली है, इसकी बर्थ मैंने ली है 2.5 इंचेस। ये सीधी पट्टी है। ये हमारा रेयन का फैब्रिक है तो इसलिए मैंने सीधी पट्टी ली है। अगर आप कोई कॉटन फैब्रिक का इसको बनाना चाहते तो और एक पट्टी लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे एंड इसमें सिलाई लगाने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड कर देंगे एंड अपनी पूरी कुर्ती को हम जोड़ लेते हैं स्लीव्स लगाकर। ये मैंने कुर्ती को जॉइंट कर लिया है। जो मैंने पट्टी 2.5 इंचेस की ली थी उसको मैंने रॉन्ग साइड फोल्ड कर दिया है एंड मैंने इसकी नेक की आपको डीप भी बता दी थी। बैक में मैं कितना रखूँगी मैंने बताया था 3 इंचेस। और एक पट्टी के साथ जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में नेक को कम्प्लीट किया था उसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें कम्प्लीट कर लेना है। इसकी स्टिचिंग ईजी थी तो इसलिए मैंने नहीं बताई, अगर टफ होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ पर डोरियाँ लगाई हैं। ये डोरियाँ हम जब लगाएंगे, जब हम कुर्ती के पार्टों को जोड़ेंगे तब अंदर से ही इन जो डोरियाँ हैं अंदर से ही इनको लगा लेना है। अब इसके ऊपर मैं कुछ स्टोन वगैरह लगाऊंगी एंड इसमें मैं कुछ बटन्स यूज करूंगी।